चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। शाही सवारी को लेकर कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में कांग्रेसियों द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें धर्म प्रेमी जनता ने इसे बढ़ चढ़ कर हस्ताक्षर किए। ये कार्यक्रम विवेक यादव जी द्वारा चलाया गया। कार्यक्रम दोपहर 4 बजे गोपाल मंदिर पर आयोजित किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य बाबा महाकालेश्वर की शाही सवारी को लेकर जो रूट में परिवर्तन किया गया है, इनका उद्देश्य ये था कि बाबा महाकालेश्वर की जो शाही सवारी जो कि 6 सितंबर को है, वो पुराने रूट से निकले, जो कि प्रशासन ने भी नया रूट निर्धारित कर सावन कथा भादव मास की सवारी भी निकाली है। बाबा महाकाल की शाही सवारी भी इसी रूट पर निकलने जा रही है, जिससे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी व जनता इसके पक्ष में नहीं है। इनका कहना है कि बाबा महाकालेश्वर की सवारी जो भूतपूर्व निर्धारित रूट से निकलती आ रही है, जैसे कंठल, तेरीवाड़ा, गोपाल मंदिर, गुदरी चौराहा होते हुए, इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें बढ़ चढ़कर धर्म प्रेमी जनता ने प्रशासन के विरोध में हस्ताक्षर किए। सुभेश गौड़ की एक खास खबर। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। भारतीय जनता पार्टी की जनआशीर्वाद यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में निकल रही है और पूरे मध्य प्रदेश में सनातन धर्म के सारे कार्यक्रम बंद कर रखे हैं। जनआशीर्वाद यात्रा से क्या कोरोना नहीं फैल रहा है क्या? क्या कोरोना भगवान, क्या सनातन धर्म के कार्यक्रम होंगे तो ही कोरोना फैलेगा? हमने जिला प्रशासन को भी एक ज्ञापन आज से 10 दिन पहले दिया था। उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री और जो RSS के प्रमुख है, विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख है, क्या इनका काम हिंदुओं की भावनाओं को भड़का करके केवल ध्रुवीकरण की राजनीति ही करना, हिंदू मुसलमान करके? हिंदू धर्म की सवारी अभी निकलने वाली है तो उसको क्यों नहीं निकलवा रहे हैं? ये उज्जैन में कोरोना की दर अभी वर्तमान में 0 है पिछले 1.5 महीने से। हमने आज यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है कि भी उज्जैन, और आप देख लीजिए उज्जैन के कितने सारे लोग यहाँ पे हस्ताक्षर करने आ रहे हैं। और उज्जैन की जनता चाहती है, अब एकमात्र सवारी बची है शाही सवारी, अगर वो परंपरागत मार्ग से निकल जाएगी तो जिला प्रशासन का या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या बिगड़ जाएगा? कांग्रेस को रोड पर आज इसलिए आना पड़ा कि जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और उस जन आशीर्वाद यात्रा से कोरोना नहीं फैलेगा। जहाँ बड़ी संख्या में BJP के लोग अन्य लोगों को जुटा रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, और बाबा महाकाल की सवारी यदि अगर आम जनता के बीच में आएगी तो कोरोना फैल जाएगा। मतलब एक ऐसी हास्यास्पद स्थिति आज खड़ी कर दी ला करके, जहाँ एक और हम एक बात देखते हैं, कोरोना काल में हमने देखी है कि जब लोगों की स्थिति ज़्यादा ख़राब थी तो डॉक्टरों ने भी एक बात बोली, मेरे खुद से भी एक घटनाक्रम में बोला कि हमने हमारा प्रयास कर लिया, अब आगे ऊपर वाले के हाथ में, भगवान के हाथ में। तो जब हम जहाँ उपचार करा रहे हैं वहाँ भी भगवान की ही बात आ रही है, तो ऐसे में यदि भगवान के दर्शन और भगवान यदि बाबा महाकाल यदि नगर में भ्रमण पर आए और सारे अपने भक्तों को आशीर्वाद दें तो यह खराब क्षण तो उनके आशीर्वाद से वैसे ही टल जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी के हो रहे हैं, उनकी रैलियां हो रही हैं, जुलूस हो रहे हैं, उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन भगवान की सवारी नहीं निकले, बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नहीं आए, उन पर रोके, ये बहुत ही गलत बात है। और इसी का विरोध करने के लिए और सवारी रोड पर आए, बाबा महाकाल दर्शन के लिए आए, परंपरागत मार्ग से निकले और सभी भक्तों को आशीर्वाद दें। और जो कोरोना काल आज चल रहा है, क्योंकि पिछले कोरोना काल में भी बाबा महाकाल भक्तों को परंपरागत मार्ग से दर्शन करने के लिए इन लोगों ने नहीं आने दिया था, तो आए और उनके आशीर्वाद से यह सारी जो महामारी है पूर्ण रूप से समाप्त हो, ऐसी हम आशा करते हैं। प्रशासन से, मध्य प्रदेश शासन से हम मांग करते हैं कि परंपरागत मार्ग से ही सवारी को पुनः निकाला जाए, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से कोरोना काल समाप्त होगा। जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, और बेखबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज 21 के साथ।